बिल्कुल खिलेगा, पूरे देश में खिलेगा, सिर्फ चंडीगढ़ में। आई होप सो। नमस्कार। तो मैम 400 पार जो लक्ष्य है आपको लग रहा है जा रहा है, क्योंकि जो विरोधी पार्टी है वो बोल रही है कि 200 से भी ज्यादा नहीं जा पाएगी। वो तो अब 4 तारीख को पता चलेगा उनको क्या जवाब मिलता है ना। जो विरोधी पार्टियां तो बहुत कुछ कहती हैं, हमेशा कहती हैं। मुझे तो लगता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है वो आप लोगों की मदद से, देश के लोगों की मदद से जरूर पूरा। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि देश में कुछ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री जो है वो आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। वो सारी चीजें तो कांग्रेस के राज में होती रही है ना। भले इमरजेंसी हो, राइट्स हो, बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं। 10 साल से सब ठीक चल रहा है, भगवान की दया। मनीष तिवारी को कैसे देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ का बेटा हूँ, मैं ही जीतूंगा। वेल बेटा तो है वो भी चंडीगढ़ का, जैसे मैं बेटी हूँ। आप लोगों ने तो मुझे भी आउटसाइडर ही करार कर दिया था जब मैं आई थी। वी ऑल बिलोंग टू चंडीगढ़, यू नो, वी हैव स्टडीड इन चंडीगढ़, वी हैव वर्कड इन चंडीगढ़, वी हैव फॉट इन चंडीगढ़। तो हम तो अपने आप को, जो चंडीगढ़ में रहा है, पला बड़ा है, वो तो अपने आप को चंडीगढ़ का बेटा कहेगा। किरण जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा आपका 10 साल का, जो आप सबसे ज्यादा? बहुत लंबी लिस्ट है दीपक, मैं तेरे को भेज दूंगी, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। बहुत लंबी लिस्ट है जो मैंने इनको भी भेजी है, पता नहीं यूज कर रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। आपका जो 24 घंटे पानी है वो भी मैं लेकर आई थी, जो बोल रहे सबसे पहले क्या काम करेंगे, अफसरों के साथ बैठेंगे। मैं सबसे पहले अफसरों के साथ बैठी थी कि रिंग रोड बनवाइए, ये करिए। और देखिए जो मैंने वो लेकर आई एक दिन में फ्लाई ओवर, वो इन सब लोगों ने मिलकर रोक दिया। 5 साल लग गए, अब वो पास हुआ है हाई कोर्ट से। तो मेरे को लगता है कि सब राम दरबार वगैरह के लोगों के लिए बड़ा आराम होगा जो ट्रिब्यून चौक से आते हैं। बिल्कुल खिलेगा, पूरे देश में खिलेगा, सिर्फ चंडीगढ़ में। आई होप सो। नमस्कार। तो मैम 400 पार जो लक्ष्य है आपको लग रहा है जा रहा है, क्योंकि जो विरोधी पार्टी है वो बोल रही है कि 200 से भी ज्यादा नहीं जा पाएगी। वो तो अब 4 तारीख को पता चलेगा उनको क्या जवाब मिलता है ना। जो विरोधी पार्टियां तो बहुत कुछ कहती हैं, हमेशा कहती हैं। मुझे तो लगता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है वो आप लोगों की मदद से, देश के लोगों की मदद से जरूर पूरा। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि देश में कुछ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री जो है वो आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। वो सारी चीजें तो कांग्रेस के राज में होती रही है ना। भले इमरजेंसी हो, राइट्स हो, बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं। 10 साल से सब ठीक चल रहा है, भगवान की दया। मनीष तिवारी को कैसे देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ का बेटा हूँ, मैं ही जीतूंगा। वेल बेटा तो है वो भी चंडीगढ़ का, जैसे मैं बेटी हूँ। आप लोगों ने तो मुझे भी आउटसाइडर ही करार कर दिया था जब मैं आई थी। वी ऑल बिलोंग टू चंडीगढ़, यू नो, वी हैव स्टडीड इन चंडीगढ़, वी हैव वर्कड इन चंडीगढ़, वी हैव फॉट इन चंडीगढ़। तो हम तो अपने आप को, जो चंडीगढ़ में रहा है, पला बड़ा है, वो तो अपने आप को चंडीगढ़ का बेटा कहेगा। किरण जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा आपका 10 साल का, जो आप सबसे ज्यादा? बहुत लंबी लिस्ट है दीपक, मैं तेरे को भेज दूंगी, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। बहुत लंबी लिस्ट है जो मैंने इनको भी भेजी है, पता नहीं यूज कर रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। आपका जो 24 घंटे पानी है वो भी मैं लेकर आई थी, जो बोल रहे सबसे पहले क्या काम करेंगे, अफसरों के साथ बैठेंगे। मैं सबसे पहले अफसरों के साथ बैठी थी कि रिंग रोड बनवाइए, ये करिए। और देखिए जो मैंने वो लेकर आई एक दिन में फ्लाई ओवर, वो इन सब लोगों ने मिलकर रोक दिया। 5 साल लग गए, अब वो पास हुआ है हाई कोर्ट से। तो मेरे को लगता है कि सब राम दरबार वगैरह के लोगों के लिए बड़ा आराम होगा जो ट्रिब्यून चौक से आते हैं।